नमस्कार, समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का काफिला पहुंच चुका है गांधी समाधि पर। लेकिन चौंकिए मत, ये गांधी समाधि दिल्ली का राजघाट नहीं है, बल्कि ये रामपुर की गांधी समाधि है। और मेरे ठीक पीछे जो समाधि है, इसमें दिल्ली के अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की असली अस्थियां रखी हुई हैं। ये इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को, तब पूरे देश में दुख की लहर छा गई थी। नवाबी आदेश पर 31 जनवरी को रामपुर रियासत के तमाम कार्यालय, बाजार, शिक्षण संस्थाएं व मनोरंजन स्थल भी बंद रहे। 13 दिन तक सरकारी शोक मनाने का हुक्म हुआ। 2 फरवरी को दिल्ली में बापू का अंतिम संस्कार किया गया। तब रामपुर के नवाब के विशेष अनुरोध पर महात्मा गांधी के बेटे ने बापू की अस्थियां रामपुर के नवाब को दिया, और फिर रामपुर के नवाब ने विशेष ट्रेन के जरिए महात्मा गांधी बापू की अस्थियों को लाकर यहां चांदी के बर्तन में दफन किया। एक चांदी के बर्तन में महात्मा गांधी बापू की अस्थियां दफन है, दूसरी चांदी के बर्तन में यहां पर रामपुर का इतिहास और रामपुर के नवाबी खानदान का इतिहास यहां पर दफन है। तो हम यहां से रामपुर में महात्मा गांधी की समाधि से अपनी वोट यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, वोट एक्सप्रेस की शुरुआत कर रहे हैं। और यहां पर हम तमाम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनका चुनावी मिजाज किस तरफ जा रहा है। रामपुर पे गांधी समाधि पे तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। चुनाव आने वाला है, इस बार जब वोट डालने जाओगे आप, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा दिमाग में? सबसे मुद्दा होगा हमारा कारोबार का। रामपुर में बहुत बर्बादी हुई है, लोगों के कारोबार छीने गए हैं, दुकानें, मकान, मजार लोग तोड़े गए हैं, उसका हमें बदला लेना है। किसने तोड़ा है और कारोबार को किसने बर्बाद किया है? सपा सरकार ने तोड़ा है, मंत्री जी हैं यहाँ के। अब क्या विकल्प है चुनाव में, किसको वोट दे के जितवाओगे आप? हाथी को देंगे सर, मायावती को वोट देंगे। इस बार आप चुनाव में वोट डालने जाओगे तो क्या सोचकर वोट करोगे, किसको करोगे? इंतकामी कार्रवाई बंद हो, रामपुर की आवाम के साथ रोजगार के मसले मुद्दे, यहाँ गुर्बत इतनी है कि यहाँ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग रक्षाएं चल रहा है, ये मेन मुद्दा, इसका विरोध करेंगे सापा सरकार। तो किसको इस बार चुनाव जितवाने का सोचा आप लोगों ने? बहुजन समाज पार्टी। सबसे बड़ा तो मुद्दा जो है, 350 मकान तोड़े गए, उनकी जगह नाजायज स्कूल बनाए गए, ये विकास है? लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट रक्षाएं चला रहे। लेकिन आप तमाम लोग कह रहे हैं कि तोड़े गए, सपा का नाम ले रहे हैं, लेकिन उस आदमी का नाम लेने से डर रहे हैं क्या आप लोग? क्यों डर रहे हैं? माननीय मंत्री जी हैं, मोहम्मद आजम खान। तो इस बार किसकी सरकार आपको निजात दिलाएगी इन समस्याओं से? इन समस्याओं से इनको बहुजन को वोट दें, बहुजन को करेंगे वोट। आज तक 5 साल के अंदर कोई मंत्री जी ने काम ऐसा नहीं किया कि जिससे कि पब्लिक खुश हो, सब बेरोजगारी है यहाँ तो सिर्फ एक ही हुआ है, विकास सब विकास हुआ है यहाँ पूरे शहर में। आप देख रहे हैं सामने गांधी समाधि, ये गेट, ये सब कुछ, ये सब विकास ही हुआ ही है। और यहाँ पे जो है आजम खान जीतेंगे और यहाँ पे समाजवादी सरकार बनेगी, यूपी में पूरी समाजवादी सरकार बनेगी। मायावती से समझे, वो इसी उम्मीद से जुड़े कि शायद ये हमारे साथ अच्छा काम करें। इस बार बहुत जोश है, और जोश इसलिए है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है उनकी सोच पर और आजम खान साहब की क्यादत पर इस बार युवाओं में ऐसा जोश है कि उम्दा से ज्यादा, जो उम्मीद से ज्यादा सीटें आएंगी। और रामपुर के अंदर तो शिक्षा का जो दीप जलाया यूनिवर्सिटी के नाम पर, वो एक अपने आप में एक ऐतिहासिक काम। इस बार जब आप चुनाव में वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे, किसको करोगे? रामपुर को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया गया, पार्क बनाया गया, ये सारे सब कुछ बनाए गए, लेकिन अभी जो यहाँ का रोजगार है, डेवलपमेंट कुछ नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं हुई, कुछ भी डेवलप नहीं हुआ, जो हमारी इंडस्ट्री वो भी धीरे धीरे सारी बंद होती चली जा रही है। तो रामपुर का जो युवा है सब बेरोजगार है, सारे रिक्शा चला रहा है। मुसलमान किसके साथ जाएगा? मुसलमान तो देखिए जाएगा तो छापा के साथ ही जाएगा, समाजवादी पार्टी के साथ। तो हम लोग रामपुर के मिस्टनगंज मार्केट में पहुंच गए हैं, एक दुकान के बाहर हम लोग खड़े हैं। तमाम लोग, ग्राहक और दुकानदार, इन सबसे हम बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है चुनावी फिजा को लेकर, और क्या मुद्दा सबसे बड़ा रामपुर की जनता के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में रहने वाला है। इस बार जब आप चुनाव में वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा इशू आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि इस इशू पे मुझे वोट करना है, इस पॉलिटिकल पार्टी विकास पे वोट करना है,
जो विकास कर रहा होगा उसके ऊपर वोट करना है कि कौन विकास करेगा, कौन नहीं करेगा, किसने क्या करा, किसने क्या नहीं करा, वो सब देखा जाएगा। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने विकास करा है, मायावती जी कह रही है कि हम विकास कराएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विकास होगा अगर दिल्ली और लखनऊ में एक सरकार होगी, राहुल गांधी भी विकास की बात करें, किसके मॉडल पे आपको ज्यादा भरोसा है? मैं समाजवादी को ज्यादा भरोसा है, अखिलेश को। कौन सबसे ज्यादा गरीबों की हेल्प कर रहा है, महिलाओं की या रामपुर के विकास के लिए या उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, कौन ऐसा है जिसके पास विजन है? समाजवादी पार्टी ज्यादा विकास कर रही है, गरीबों के लिए भी हेल्प कर रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें, तमाम लोग और भी मौजूद हैं, हम दुकान में तमाम लोगों से बात करेंगे। भैया वोट डालते हो आप? जी डालते। तो इस बार जब चुनाव में वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए? समाजवादी की ही सरकार आना चाहिए और अच्छी ही पार्टी है, हर तरह से सपोर्ट करती है। आगे आने वाली सरकार में जो हमारे सामान्य व्यक्तियों को ध्यान दे, हम उसको वोट देना चाहते हैं। कौन सबसे अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश के लिए हो सकती है आपके हिसाब से? भाई इस समय तो भाई हमारी सापा सरकार है, आजम खान ने हमें बत्ती बरसों दी है। तमाम लोग जो है मोदी जी कह रहे हैं, मायावती है, राहुल गांधी है, फिर अखिलेश यादव भी है, तो सबसे अच्छा पॉलिटिशियन कौन लगता है? सबकी बातें सुनकर तो अच्छा ही लगता है, लेकिन जो हमारे लिए आज ये कर रहे हैं समाजवादी सरकार कर रही है, हमें ये अच्छा लगता है। समाजवादी सरकार, दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है। नोटबंदी के बाद ये कहा गया कि धंधा मंदा हो गया, सब लोगों ने मोदी जी की आलोचना करी, अब क्या नॉर्मलसी आई है या स्थिति वैसी खराब है? नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी बेहतर है पहले से, ठीक है। तो जब तक लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था, जब तक लोग ज्यादा परेशान थे। किसको जिताएंगे आप? तो देखिए सपा को जिताएंगे, जिससे लाइट और ये सब चीजें मिल रही है, लाइट है, पानी है, विकास हो रहा है। आप जब वोट देने जाओगे तो सबसे बड़ा इशू आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सबसे बड़ा इशू जो हमारे दिमाग में चल रहा होगा वो विकास का है। विकास चाहिए रामपुर को, लाइट चाहिए, सड़कें चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। मेरे ख्याल से जो 5 साल में विकास हमारे रामपुर में हुआ है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो आगे भी उन्हीं को मौका देंगे। हाँ भाई, जाहिर सी बात है कि जब हमारे यहाँ रामपुर में विकास हुआ है तो हम समाजवादी को ही समझ जाएंगे। रामपुर के मिलक विधानसभा में हम पहुंच गए हैं, कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या सोचा है इस बार, किसको वोट करोगे, क्यों करोगे? आदित्य देंगे साहब। बहन जी को वोट करोगे? बहन जी वोट देंगे साहब। और भी तमाम लोग मौजूद हैं, चुनाव आने वाले हैं, जब इस बार आप वोट डालने जाएंगे तो ये तो क्या सोचकर वोट डालेंगे, किसको करेंगे? विकास के नाम पर, अखिलेश जी के लिए, उन्हीं की सरकार बनेगी, समाजवादी को बहुत अच्छा विकास हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छा विकास कराया है, और समाजवादी को दोबारा अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। इस बार वोट डालने जाएंगे क्या सोचकर वोट करेंगे, किसको करेंगे? विकास पे, जो विकास हुआ है उसके लिए वोट करेंगे, और अच्छे इंसान को करेंगे जो सबको साथ लेकर चलता हो, वो माननीय अखिलेश जी। किसको सोचा है, किसको वोट करोगे? जो विकास करेगा उसके लिए वोट दिया जाएगा। किस पे भरोसा है? भरोसा तो भाजपा पे है। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग यूपी में? बहन कुमारी मायावती सरकार बना रहे हैं, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश की। इस बार जब आप वोट डालने जाओगे तो किसको वोट डालोगे और क्यों डालोगे? कमल को डालोगे। कम से कम सोने का दो, कम से कम। क्या सोचा है, किसको वोट करोगे और क्यों करोगे? सब परिवर्तन चाह रहे हैं, हाथी को मोर लगाने, मोदी को क्यों दे देंगे साहब? उन्होंने लाइन लगा दिया, 4 साल 4 बार देश को लाइन लगा दिया, 5 बार फिर लगाने जा रहा है। अगर वो तो इन्होंने लूटा है, इनको काय को वोट दे दें? हम हाथी को वोट देंगे। हम साहब बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी, और ये सापा वाले 40-40 बात अपने पास रखे हुए हैं, इनको काय को यादवों को दे देंगे? हम तो साहब बहन जी को वोट देंगे। जो राष्ट्र हित का काम करेगा उसको वोट देना चाहिए, और वही राष्ट्र हित में होगा। ये बीजेपी के लिए सबसे अच्छा मौका है बीजेपी को जिताने का। मिलक विधानसभा में तमाम लोग हमारे साथ है बातचीत करने के लिए, आपसे जानेंगे भैया क्या सोचा है इस बार, किसको जिता रहे हो? समाजवादी को जाना भैया। इस बार क्या सोचा भैया, किसको जिताओगे? वोट फॉर मोदी। इस बार जब आप वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा कि ये सोच के मुझे वोट करना है? साइकिल को डालेंगे साहब। चुनाव में जब आप वोट डालने जाओगे, मेन मार्केट में आपकी दुकान है, तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा? नोटबंदी मुद्दा है? नोटबंदी से तो मतलब ऐसे मतलब असर पड़ा है लोगों को। आप किसको चाह रहे हो कि कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने? अरे मुख्यमंत्री हमारी तो मायावती बने भाई, मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप किसकी सरकार चाहते हो उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार बने? हम तो बीजेपी सरकार चाहते हैं। रामपुर के मिलक में तमाम लोगों से हमारी बातचीत जारी है। आप भैया जब चुनाव में वोट डालने जाओगे ईवीएम का बटन दबाने, तो क्या सोच के वोट करोगे, किसको वोट करोगे? मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा, मेरे घर में परिवार में 90 वोट है, 90 बीजेपी को दूंगा। कहने को हम ऐसी वर्ग में आते हैं, कहते हैं कि मायावती जी हैं, मायावती जी के उसमें आते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। ये मोटर की दुकान है, रेडियो और ट्रांजिस्टर की दुकान। भैया चुनाव आने वाला है तो क्या सोचा है चुनाव को लेकर, किसको वोट करोगे और क्यों करोगे? भाजपा को वोट दूंगा।
भाजपा को वोट करोगे। आप जब वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे, किसको वोट करोगे? बीजेपी को। लेकिन ये कह रहे कि नोटबंदी कर दिया बीजेपी ने तो सबका नुकसान कर दिया, वो सब मायावती और ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं। नहीं तो इससे तो फायदा हो गया, कभी तो परेशानी एक दिन आई थी तो सब दिन थोड़ी उधर ही रहेगी। मोबाइल की एक शॉप है, सिम बेचते हैं, मोबाइल बेचते हैं, चुनाव आने वाला है तो क्या सोचा है इस बार, क्या सोच के वोट करोगे, किसको करोगे? बीजेपी को ही वोट करते हैं हम, तो मोदी के साथ हैं। ये साड़ियों की एक शोरूम है रामपुर में, यहाँ पर भी हम जो तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। एक बड़ा शोरूम है ये रामपुर का साड़ियों का, और ये कहा जाता है, कुछ राजनीतिक पंडित कहते हैं कि नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रही है, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी, बसपा, राहुल गांधी तमाम लोग नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोलते रहे, तो यहाँ हम जानेंगे कि क्या वाकई नोटबंदी कोई मुद्दा होगा चुनाव में, या नोटबंदी के अलावा बाकी मुद्दों पर यहाँ के वोटर्स वोट करेंगे। इस बार जब आप वोट डालने जाओगे तो दो चीजें मैं पूछना चाहूंगा, एक तो क्या इशू चल रहा होगा कि ये सोच के मैं वोट देने आई हूँ और ईवीएम का बटन दबाना है, और कौन सा ऐसा नेता और पॉलिटिकल पार्टी है जो यूपी के लिए बहुत बेहतर होगी, क्योंकि आपकी राय आपकी भतीजी भी मानेगी। वैसे तो इस समय जो गवर्नमेंट यूपी में चल रही है, लगभग देखा जाए तो यूपी में सही चल रही है, अगर जीत भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसा दुकानदार भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अब जब चुनाव आएगा विधानसभा का तो नोटबंदी क्या मुद्दा होगा आप लोगों के लिए, कोई और मुद्दा होगा? हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है नोटबंदी की, हमें पहले भी दिक्कत नहीं हुई और अभी भी नहीं आएगी। कैशलेस हमारे पास पहले से सुविधा उपलब्ध थी, पेटीएम भी है और स्वैप मशीन भी लगी हुई है, तो हम उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, यही मेन मुद्दा है जिससे एक व्यापारी वर्ग, एक दुकानदार उलझता आएगा। तो आपके हिसाब से जो व्यापारी वर्ग की समस्या बताई, पहले ये कहा गया कि एक सेक्शन कह रहा था कि नोटबंदी को लेकर व्यापारी वर्ग नाराज है, अब आप कह रहे नोटबंदी कोई मुद्दा नहीं है, तो क्या विकल्प है कि किसकी सरकार उत्तर प्रदेश पे आनी चाहिए जो आपको भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाए और विकास कराए? देखिये रामपुर की अगर पर्टिकुलर मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो मेरे लिए अखिलेश यादव की सरकार बहुत अच्छी है, समाजवादी पार्टी मेरे लिए बहुत अच्छी है। आपके हिसाब से कौन यूपी में चुनाव जीतेगा इस बार? हमारे हिसाब से बीजेपी को आना चाहिए यूपी में, बीजेपी की सरकार सही रहेगी, हम मोदी जी के फेवर में है। नोटबंदी के बाद सब माहौल बाजार का सही हो चुका है, बिल्कुल रामपुर में प्रशासन गुंडे और बदमाशों के साथ रह रहा है, वो किसी की कार्रवाई नहीं करता, कोई FIR लिखाने जाता है तो उसकी FIR पर कार्रवाई नहीं होती, खुलेआम चोरी डकैती हो रही है, यहाँ दुकानों पर मारपीट हो रही है, गुंडे खुलेआम घूमते हैं, कोई पकड़ धकड़ नहीं होती है, वो बीजेपी की सरकार आना चाहिए, हम इस फेवर में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। एक यंग वोटर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि वो चुनाव को लेकर क्या सोच रही है। पहली बार वोट डालने का तो एक अलग एक्साइटमेंट होता ही है, तो जब आप ईवीएम का बटन दबाने जाओगे तो क्या इशू दिमाग में चल रहा होगा कि ये इशू है जिसको लेकर मुझे वोट करना है? जी मुझे समाजवादी पार्टी से मुझे बहुत मतलब पसंद है और मैं उन्हीं के साथ हूँ, और जहाँ तक कि पता है मैं उन्हीं के साथ रहूँगी तो मैं समाजवादी पार्टी को करूँगी, बिकॉज काफ़ी हद तक हमारे रामपुर की साफ सुथराई, कारोबार ये अच्छा दिया है, तो इस वजह से मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ। रामपुर के अंबेडकर पार्क में हम लोग मौजूद है, और प्रधानमंत्री रहते हुए HD देवगौड़ा साहब ने इस पार्क का उद्घाटन किया था, वो रामपुर आए थे और तमाम लोग पार्क में हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या मुद्दा चल रहा है। मतलब भैया जब आप वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा इशू आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या सोचकर वोट करोगे? पहली बात विकास की बात, दूसरी भ्रष्टाचार और गुंडा राज जो है उसे जो खत्म करेगा उसको वोट दें। कौन विकास करेगा, कौन भ्रष्टाचार और गुंडा राज खत्म करेगा? मुझे तो समझ में आता है अब तक जो शासन देखा है, तो मुझे लगता है कि मायावती गुंडा राज पे अंकुश लगाएंगी। क्या सोच के वोट करोगे, किसको करोगे? मायावती, बहन मायावती। क्यों? वो यूं वो दलितों की मसीहा हैं, हर काम वही करवाती हैं, कानून व्यवस्था राज उनके अच्छा रहा है सरकार में, मेरा वोट बेस्ट हो जाएगा। बाबा वोट डालते हो आप? डालते हैं। तो क्या सोचा आपने इस बार, वोट किसको डालोगे? हम तो साथ बीजेपी के हैं, बीजेपी को डालेंगे। बाबा इस बार वोट डालने जाओगे तो किसको वोट डालोगे, किसकी सरकार बनाओगे? मोदी की। फूल की सरकार बनाओगे? हाँ, फूल की। स्वार कस्बे के मेन मार्केट में हम लोग मौजूद है और तमाम दुकानदारों से, लोगों से हमारी बातचीत जारी है। किसको वोट देने का सोचा और क्यों? सर यहाँ जो बहुत पहले से शिक्षा का अभाव रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है, यहाँ लोग देख रहे हैं कि अखिलेश सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, इस वजह से अखिलेश को ही वोट जाएगा। आप जब वोट डालने जाओगे क्या सोच के वोट करोगे? मोदी जी के नाम पे वोट देंगे हम, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे लक्ष्मी सैनी को वोट देंगे, इससे अच्छा कैंडिडेट नहीं है। आजम खां पार्टी जो है
वो लीगी पार्टी है और विकास के नाम पे यहाँ की जनता को गुमराह करने वाली पार्टी है। वोट काम को होगा, विकास को होगा, क्योंकि मैं तो अखिलेश सरकार और केंद्र में मोदी जी। इस बार आप चुनाव में वोट डालने जाओगे तो क्या सोचकर वोट डालोगे? विकास के नाम पर डालने जाएंगे वोट, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के हिसाब से, मोदी जी को। मोदी जी ने देश के लिए बहुत किया, आतंकवाद के हिसाब से बहुत किया, भारत को विश्व के राजनीति के स्तर पर उठाया, इसके लिए कर ही रहे मोदी जी का। और विकास के लिए तमाम राजनीतिक दल विकास की बात कर रहे हैं और लोग भी ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट करेंगे, हालांकि उनकी पसंद जो है वो अलग अलग है। रामपुर से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको उत्तर प्रदेश के एक और जिले के वोटरों के मिजाज से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विनोद चौधरी को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।